Hello everyone, welcome to Dips Creative Art. Friends, I'm very excited about today's video because it is based on friendship. So ये एक circular ply board का piece मेरे पास पड़ा हुआ था. Actually by mistake जो carpenter था वो small size ले आया था और मुझे बड़ा size का table बनवाना था, तो ये मेरे पास एक extra piece पड़ा हुआ था. तो सबसे पहले मैंने इसको जैसो से, जो मेरा होममेड जैसो था लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था, उससे पूरा कवर करके पूरा एक दिन के लिए ड्राई कर लिया था. और उसके बाद इस पर मैं थोड़ा सा कुछ ड्रॉ कर रही हूँ. एंड अकॉर्डिंग टू माय इमेजिनेशन दिस इज मी एंड माय फ्रेंड, जो बहुत ही आराम से सुकून से बैठ कर चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं और गॉसिप कर रहे हैं. एंड आई डोंट नो वाई बट आई एम क्वाइट श्योर कि आज का ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है एंड आप सब लोग इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट फील करने वाले हैं. सो ये थोड़ा रफ सा स्केच पहले मैंने ड्रॉ कर लिया था इस प्लाई बोर्ड पर, और अब मैं इसको क्ले से डेकोरेट करूँगी. तो उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स कि जब भी हम क्ले से कुछ चीज़ें बनाने जा रहे होते हैं तो हम अपने हैंड्स पर वैसलीन लगा लें, तो या फिर कोई भी बॉडी लोशन एटलीस्ट लगा लें ताकि हाँ उसका इफेक्ट हमारे जो हैंड्स हैं उस पर ना आए. तो ये मैंने एक रफ आइडिया यहाँ पर लिया था कि किस तरह मैं जो ट्री है उसकी ब्रांचेस क्रिएट करूँगी. और उसके बाद मैंने ये जो मेरा होममेड टेक्सचर पेस्ट था इसके ऊपर मैंने अपने लास्ट वीडियो डाला था, आप लोग वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं. तो मेजर जगहों पर पहले मैंने टेक्सचर पेस्ट लगाया और जो छोटे पार्ट्स थे वहाँ पर मैंने डायरेक्ट फेविकॉल अप्लाई कर दिया. और उसके बाद मैंने इस तरह से, ये फेविक्रिल का क्ले मोल्डिंग होता है, और यहाँ पर मैंने बहुत ही रफली ये क्ले को लेकर ऐसे जो ट्री के लीव्स के ब्रांचेस के ऊपर जो लीव्स रहते हैं उनका शेप थोड़ा क्रिएट किया. एंड उसको स्केच पेन का जो कैप रहता है उसमें जो डिजाइनिंग रहता है उससे मैंने इसको थोड़ा डैप किया ताकि ये थोड़ा सा लीव सी शेप लगे, जैसे ट्रीज पर लीव्स रहते हैं ना, ऐसा एक्चुअल शेप उसको देने के लिए, ऐसा लुक उसको देने के लिए यहाँ मैंने कैप से डिजाइनिंग किया था. मैंने यहाँ सारी शेप्स जो हैं फ्रेंड्स वो हाथ से ही दी हैं, मैंने किसी रोलर से उसको रोल नहीं किया था क्ले को, क्योंकि मुझे उतना स्मूथ लुक नहीं चाहिए था, थोड़ा रफ लुक चाहिए था क्लोथ्स का भी. आप अगर चाहें तो आप उसको रोलर से रोल करके भी कट करके उसके जो ड्रेस हैं, जो भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. और यहाँ पर मैं उनके हेयर ड्रॉ कर रही हूँ, हेयर बना रही हूँ. और ये इस पेंटिंग का सबसे मोस्ट वांटेड जो पार्ट है वो चाय का कप, तो यहाँ पे मैंने वो बनाया. और इसी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स को क्ले से बनाया और फेविकॉल की हेल्प से उनको बोर्ड के ऊपर पेस्ट कर दिया. आपके पास अगर इस तरह के टूल्स नहीं हैं, क्ले टूल्स, तो आप आइसक्रीम स्टिक से या किसी भी अदर ऑब्जेक्ट से शेप दे सकते हैं. और सरफेस को थोड़ा रफ लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टेक्सचर पेस्ट अप्लाई किया था और उसको रफली ऐसे ही सारी सरफेस पे स्प्रेड कर दिया. स्टैम्प कलर के लिए मैंने बर्नड सियाना यूज़ किया है, ये एक्रिलिक कलर्स ही हैं सारे जो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं. एंड ग्रीन कलर के लिए मैंने सिंपल लाइट ग्रीन एंड सैप ग्रीन को शेड देते हुए दोनों ही कलर्स को इसमें यूज़ किया है. नीचे में मैंने ये थोड़ा सा ग्रास को डार्क ग्रीन बनाने के लिए ट्राई किया और थोड़ा सा इस पर मैंने इन दोनों कलर्स के साथ में ब्लैक कलर का भी यूज़ किया था आफ्टर में. एंड नाउ मिडिल में जो पोर्शन हमारा रह गया है उसको मैंने इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ड्रॉप डालकर आपस में मिक्स करते हुए पेंटिंग की. एंड
आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं एंड बहुत रिलैक्स लगता है जब आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं, अपने सुख दुख शेयर कर रहे हैं उसके साथ। आई डोंट नो वाई बट मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि हम सबकी लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं और ये मतलब मुझे लगता है सबकी लाइफ का ही एक कॉमन मोमेंट है जब हम बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे होते अपने फ्रेंड्स के साथ में। एंड आई एम श्योर कि ये क्ले मुराल देख कर आप लोग भी वो कनेक्शन फील कर पा रहे होंगे, वो फीलिंग्स आप लोग के मन में भी आ रही होंगी जिन फीलिंग्स के साथ मैंने ये क्ले मुराल बनाया है। फ्रास के लिए मैंने डीप ब्रिल पर्पल कलर का यूज़ किया है एंड सिंपली मैं इसको बस ब्रश में लेकर जैप कर रही हूँ जो ब्रांचेस हमने बनाए थे, जो लीव्स हमने बनाए थे उनके ऊपर। पीच कलर बनाने के लिए मैंने सिंपली वाइट कलर में बिल्कुल छोटा सा ड्रॉप येलो का एंड उससे भी छोटा सा ड्रॉप रेड कलर का मिक्स करके पीच कलर बना लिया था। फ्रेंड्स आपको जो भी एक्रेलिक कलर्स हैं वो इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं या फिर आप ऑनलाइन में भी परचेज कर सकते हैं। जो भी कलर्स मैंने इस पेंटिंग में यूज़ किए हैं उनका नेम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एक कोटेशन फ्रेंड्स चाय के ऊपर मैंने खुद से बनाई जो कि मतलब आई थिंक मेरी लाइफ का पार्ट है, मेरे ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा अप्लाई होता है और ये बिल्कुल मन से लाइन्स मेरे निकली थी। अ कप ऑफ टी विद योर बेस्टी ऑलवेज मेक्स यू फील हैप्पी। एंड लास्ट में फ्रेंड्स एक कोट वार्निश का अप्लाई करना बहुत ही कंपलसरी है ताकि ये स्ट्रांग हो जाए, स्टडी हो जाए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो दे दीजिए भाई एंड अपने फैंस एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए फॉर ऑल के लिए ताकि जो भी हम न्यू वीडियोस डालें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय।